जींद के सिविल अस्पताल में चल रहे मासूम बच्चे के इलाज के चलते बच्चे की मौत हो जाती है और जिसके बाद मासूम के परिजनों का सीधा आरोप इलाज कर रहे डॉक्टरों पर लगाया जाता है कि बच्चे की जान डॉक्टरों की लापरवाही से गई है। वहीं स्थानीय विधायक कृष्ण मिड्ढा भी परिजनों के समर्थन में पहुँचते हैं और उनका भी गुस्सा सीधा डॉक्टरों पर फूटता है। इसी दौरान अर्थ प्रकाश ने मृत बच्चे के परिजनों से और डॉक्टर से और विधायक से बातचीत की। चलिए देखते हैं सभी ने अपना पक्ष कैसे रखा। कौन सी कॉलोनी से, क्या मामला है पूरा? रोड तो रोड लक्ष्मी नगर से जी। परसों से बच्चा बीमार था, कल उसको यहाँ पे दिखाया था, यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल में आस्था में, और उसको यहाँ से रेफर कर दिया गया। हम रोड तक प्राइवेट में लेके गए, आस्था हॉस्पिटल में एडमिट भी किया उसको। वहाँ पे 2-3 घंटे उसका ट्रीटमेंट चला, उसके बाद डेथ हो गई। यहाँ पर हमें डाउट हुआ, शाम को लेके आए थे मिट्टी देने के लिए, फिर वो डाउट होने के बाद हम उसको बालाजी हॉस्पिटल भी लेके गए। वो बोले वो बच्चों वाले डॉक्टर के पास लेके जाओ उसको, वहाँ से लेने के बाद आस्था हॉस्पिटल में ले गए, बोला इसको सरकारी में लेके जाओ। पर यहाँ पर आने के बाद उन्होंने ECG करी और उसके बाद इन्होंने पर्चा भर दिया, उन्होंने भाई अब तो पोस्टमार्टम होगा इसका। उसकी इतनी रिक्वेस्ट की है जी, जो कि हमारे पास प्रूफ है डेथ से, इसका डेथ सर्टिफिकेट है, डेथ का है, तो ये मान नहीं रहे किसी चीज़ को भी। ये देखो आप किस तरह कार्रवाई चाहते हो? ये कार्रवाई ये जी, हमें अपना बच्चा चाहते हैं जी, हमें अपना बच्चा चाहिए जी, सारा बच्चा दे दीजिए। रात पूरी रात हो गई जी, पूरा परिवार बस बुरा हाल है, जीरो रोक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। किस डॉक्टर ने आपको कहा था कि पोस्टमार्टम होगा? इसने मनोज जांगड़ा ने, तो यहाँ रात को थे ड्यूटी पे, उन्होंने बोला था। मोबाइल सुबह से बंद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार। मोबाइल बंद कर रहे हैं, ठीक है। सामने आए, क्या मामला था? कल शाम के समय एक बच्चे को अमृत अवस्था में लेकर उसके अटेंडेंट आए थे, जो किसी बाहर प्राइवेट डॉक्टर से इलाज चल रहा था और वो काफ़ी बीमार था, उसकी मृत्यु हो गई थी। परंतु मरीज के रिश्तेदारों को ये शक था कि बच्चा शायद जिंदा है, तो वो अस्पताल में लेके आए थे, तो डॉक्टर साहब ने यहाँ चेक किया और उन्होंने पाया कि बच्चा मृत है। परंतु उनको कुछ ऐसा शक लगा, सुबह लगा, तो जिस वजह से उन्होंने उसको पुलिस रिपोर्ट कर दी थी पोस्टमार्टम के लिए। परंतु मरीज के रिश्तेदार पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते थे, उनको लगता था कि बच्चे की मौत बीमारी की वजह से हुई, इसमें कोई शक नहीं था उनको। तो इसको लेकर के वो CMO से और माननीय विधायक जी से मिले, तो माननीय विधायक जी हॉस्पिटल में आए, उन्होंने कहा भाई कि ये पोस्टमार्टम नहीं कराना चाहते। तो उसके बाद वो आए, तो हमने फिर पुलिस से लिखवा के, अटेंडेंट से लिखवा के उसका रुका कैंसिल कर दिया है और अब बच्चे का शव उसके परिजनों को सौंप दिया गया है। तो विधायक जी के आने के बाद बच्चों को दिया गया, उससे पहले नहीं दिया गया, डॉक्टर ने मना कर दिया? वो एक्चुअली इस प्रोटोकॉल ये होता है कि एक बार रुका देने के बाद जो है प्रशासन की तरफ से ही उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो विधायक जी आए, उन्होंने मामले का संज्ञान लिया और मरीज के रिश्तेदारों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमारा, हम पोस्टमार्टम नहीं करवाना चाहते। तो उसके बाद हमने प्रशासन से बात की, सिविल सर्जन मैडम के आदेश के अनुसार फिर हमने IO से बात करके उनसे लिखवा के और डॉक्टर ऑन ड्यूटी ने उसको टोके को निरस्त कर दिया और डेड बॉडी बच्चे की दे दी गई। तो CMO मैडम भी नहीं आए, उनको भी बुलाया गया था, क्या कारण था? CMO मैडम आज किसी कार्यवश बाहर गई हुई हैं, तो उन्होंने फिर मेरे को भेज दिया था। माननीय विधायक जी से उनकी बात भी हो गई थी और फिर हमने मामले को सॉर्ट आउट कर दिया। धन्यवाद। विधायक जी, किस तरह की कार्रवाई की गई है, ये जो मामला सामने आया है? देखिए, डॉक्टर साहब आए थे, क्या नाम? डॉक्टर गोपाल जी ने बड़ा कोऑपरेट किया और उन्होंने जो भी फॉर्मेलिटी थी पूरी करवा के डेड बॉडी संभलवाने का काम किया। मैं डॉक्टर साहब का बड़ा धन्यवाद करता हूँ। और जबकि सारे इन लोगों ने बिल्कुल ही गलत किया, जो मसला था, एक्चुअल मसला ये था कि कल शाम को ही मेरे को सूचना मिली कि कोई बच्चा जो कि रोहतक में एक्सपायर हो गया, हॉस्पिटल का नाम था उसका आस्था हॉस्पिटल में एक्सपायर हुआ है, वो लोग जींद में लाए उसको मिट्टी समलवाने के लिए। जब जा रहे थे तो उनको लगा कि बच्चे में कुछ प्राण हैं, तो चेक कराने के लिए वो लोग हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल में उन्होंने जब चेक करवाया तो चेक करवाने के बाद उन्होंने डेथ घोषित कर दी। कोई डॉक्टर जांगड़ा थे, जैसा बता रहे हैं, कोई डॉक्टर जांगड़ा थे, उन्होंने कहा कि डेथ हो चुकी है और कहा कि इसको हम लोग यहीं रखेंगे, इसका पोस्टमार्टम होगा। जबकि पोस्टमार्टम बनता ही नहीं कि वहाँ डेथ हुई। देखिए, किसी को भी शंका हो सकती है कि आम आदमी को ये लगता है कि इस बच्चे में प्राण वो लेकर आए, जिसका यह अर्थ नहीं कि पोस्टमार्टम होगा। और कल मैंने शाम को भी मैडम से बात की, CMO मैडम से, आज सुबह भी CMO मैडम से इनका फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे वो डेड बॉडी नहीं दे रहे। मैंने सुबह भी CMO मैडम से बात की कि आप उनको डेड बॉडी देने का काम करें, ऐसा कोई काम नहीं हुआ कि किसी प्रकार की कोई शंका हो।
वो लोग लेके आए, आपने रात को इसको रखा बच्चे को, ये गलत किया। 11 महीने का मात्र बच्चा है। और उसके बाद सीएमओ मैडम ने कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कहा जी आप सिविल लाइन में जाइए, वो लोग लिख के देंगे, जो भी पुलिस की कार्रवाई है पुलिस इसकी डेड बॉडी संभलवाएगी। पुलिस के पास गए तो वो कहते सीएमओ मैडम संभलवाएंगी। यही नहीं समझ आ रहा कि होगा क्या। ये लोग अपनी बात को दूसरे आदमी पर टालने का काम करें। फिर मैंने सीएमओ मैडम से बात की कि आप गलत कर रहे हैं, आप बच्चे की डेड बॉडी संभलवाइए, कोई एक्सीडेंटल केस हो या कोई ऐसा केस हो तब तो बनता है। लेकिन फिर भी सीएमओ मैडम के कानों पर जू नहीं रहेंगी। और इससे पहले भी दो चार रोज पहले भी किसी निडाणा गाँव का भी ऐसा कोई मामला सामने आया है, तो यहाँ ये सीएमओ मैडम बिल्कुल भी उचित कार्रवाई नहीं कर रही। इसके खिलाफ मैं डीजी हेल्थ से बात करूंगा। और इस तरह से एक लोगों को परेशान करने के लिए नहीं है, लोगों को सुविधाएं देनी चाहिए। आदमी बीमार होने के बाद पहले ही परेशान होता है, उसके बाद ये लोग और परेशान करने का काम करें तो अच्छी बात नहीं है। ठीक है सर, अर्थ प्रकाश के लिए जींद से राजेश रावल की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।